नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शराब का धंधा करके बीजेपी और जदयू अपनी कमाई करती है और अपने जेब को गर्म करती है, ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से इन दिनों बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, इसको लेकर अब विपक्ष का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कई तरह के आरोप सीएम नीतीश कुमार पर लग रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको बताएं कि आरजेडी ने आरोप लगाया है कि शराब के अड्डे से बीजेपी और जदयू अपने जेब को भरती है और बाद में इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करती है। बता दें कि ट्वीट करते हुए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है और साथ ही साथ बीजेपी और जदयू के गठबंधन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बता दें कि ट्वीट करते हुए आरजेडी ने लिखा है, जब जब बिहार पुलिस शराब के अड्डे और भट्टियां ध्वस्त करती है, वह तब तब अपने और बीजेपी जदयू के कमाई के अड्डे ध्वस्त करती है। मामला शांत पड़ते ही ये अड्डे कुकुरमुत्ते की तरह फिर से उग जाते हैं। बिहार में शराबबंदी की यही सच्चाई है। तो सीधे आरोप सीएम नीतीश कुमार पर, इस डबल इंजन की सरकार पर, कि शराब के अड्डे से इन लोगों की कमाई होती है और जब बिहार पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, जब इसे शांत करती है, तो एक बार फिर से जब पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो एक बार फिर से ये शराब के अड्डे का जो धंधा है वो शुरू किया जाता है। तो लगातार जिस तरह से बिहार में इन दिनों जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, इसको लेकर अब विपक्ष का गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासकर जिस तरह से जनता को परेशानी हो रही है, इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार इस शराबबंदी में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। बता दें कि 2016 में शराबबंदी का कानून लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद आए दिन शराब की तस्करी की खबरें सामने आती रहती है, शराब के गोरख धंधे के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर अब विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर इस बात का आरोप लगाया है कि यह सरकार पूरी तरह से फेल और नाकाम साबित हुई है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और यही वजह है कि विपक्ष ने सीधे सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिहार में इस तरह से जहरीली शराब का मामला देखने को मिल रहा है और क्यों सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लागू करने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है, पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ये प्रशासन पूरी तरह से फेल और नाकाम साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में तस्करी चलती है, जहरीली शराब जो है वो बेचे जाते हैं, इसको लेकर आखिर प्रशासन फेल क्यों हुई है। तो ये सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच ये बड़ा आरोप बीजेपी पर, बड़ा आरोप जनता दल यूनाइटेड पर कि ये लोग शराब के अड्डे से अपने जेब को गर्म करते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से अब किस तरह से आरजेडी को जवाब दिया जाता है और किस तरह से ये जहरीली शराब के मामले को कंट्रोल में किया जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।